जाता है। तो बिट कमांड की रिक्वायरमेंट यही पे होती है, जो आप देख रहे हो कि हम क्या करते हैं कि बिट हम यहां दे देते हैं रेंज फॉन्ट, और फिर नीचे हम डॉट साइज इक्वल टू 10, डॉट नेम फॉन्ट का नेम डाल दीजिए कि एरियल, डॉट यहां पे आप कलर इक्वल टू वीवी रेड ग्रीन ब्लू, डॉट बोल्ड इक्वल टू ट्रू। अब यहां पे दिक्कत आ गई कि बोल्ड पे हमने ट्रू तोड़ा था, क्योंकि बोल्ड एक ऐसा ऑप्शन है जिसपे क्लिक करने से अप्लाई भी होता है और डिसअप्लाई भी होता है, तो उस केस में हम ट्रू एंड फॉल्स जस्ट लाइक चेकबॉक्स, तो ट्रू एंड फॉल्स हम यहां पे करते हैं। फिर यहां पे डॉट इटैलिक इक्वल टू ट्रू या फॉल्स, अगर फॉल्स रखना है तो देने की जरूरत नहीं है, डिफॉल्ट फॉल्स ही होता है। ऐसे आपकी अंडरलाइन इक्वल टू ट्रू एंड फॉल्स। तो फॉन्ट में बेसिकली ट्राई करते हैं, जहां पे आपका खत्म हो जाए वहां पे आप कर दीजिए एंड विथ। तो यहां पे हमने एंड विथ कर दिया, तो विथ रेंज इस तरह से। तो हम इसको इस तरीके से भी टाइप कर सकते हैं और इस तरीके से भी टाइप कर सकते हैं। तो बिथ तरीका बिथ के अनुसार डालने में फायदा क्या हुआ कि हमें टाइप कम करना पड़ा। सुधांशु जी, सोनू जी, यस सर, समझ में आया? इसमें आपने दो चीज सीखा, पहला चीज सीखा कि पर्टिकुलर रेंज माने रेंज पे आप फॉन्ट कैसे अप्लाई करेंगे, फॉन्ट की जो फॉर्मेटिंग होती है वो फॉन्ट की फॉर्मेटिंग आप कैसे करेंगे, ये चीज सीखा आपने, राइट? ओके। और दूसरा विथ कमांड कहाँ लगाया जाता है इसके बारे में सीखा। अब अगर हम टेक्निकल लैंग्वेज में किस तरह कह सकते हैं सर? क्या टेक्निकल लैंग्वेज में? जैसे विथ को कोई कहेगा विथ कहाँ पे यूज करेंगे? विथ का यूज करते हैं कि सेम ऑब्जेक्ट के ऊपर कई सारे मेंबर अप्लाई करने हैं, तो हर लाइन और कोड ऑफ लाइन में हम उस ऑब्जेक्ट को ना डाल के विथ कमांड के अंदर डालते हैं, तो एवरी कोड ऑफ लाइन में ऑब्जेक्ट डालने की जरूरत नहीं होता है, विथ ऑब्जेक्ट को कंसिडर कर लेता है। अब इसमें आगे बढ़ते हैं कि अब ये आगे पॉइंट की, अब बात करते हैं बैकग्राउंड कलर की और कलर कंसेप्ट के बारे में भी डिस्कस करते हैं। तो यहां पे जैसे कि मैंने लिखा रेंज A1 से C10 या जो भी है डॉट, कलर करने के लिए हमारे पास इंटीरियर होता है, इंटीरियर डॉट कलर इक्वल टू, एक तो हमारे पास होता है वीवी रेड ग्रीन ब्लू श्याम मजेंटा जो कलर होते हैं ना, ये कलर आप डाल सकते हैं, तो डायरेक्ट वीवी की कलर होते हैं। दूसरा हम यहाँ पे RGB का कलर भी डाल सकते हैं, रेड ग्रीन ब्लू, जो कि एक्सेल का होता है। तो यहाँ पे से 120, 30, 125 हमें डालना। तो ये नंबर क्या है? एक कलर कोड है। क्या है? कलर कोड। सूरज जी मुझे सुन पा रहे हैं सर? सर ये कोड कैसे बनाएंगे हम? हाँ, एक कोड कैसे बनाएंगे इसका जवाब आपको एक्सेल देगा। इसका जवाब लेने के लिए आप एक्सेल में जब कोड कलर अप्लाई करते हैं तो मोर कलर में जाते हैं, कस्टम पे जाते हैं, दिस इज द RGB, R4 रेड, G4 ग्रीन, B4 ब्लू। तो जो कलर चाहिए आपको उस कलर का सेट आप सिलेक्ट कर लीजिए, फिर कस्टम पे जाइए, यहाँ पे उसका कोड मिल जाएगा, राइट? ओके सर।
तो आरजीबी, तो आरजीबी मेथड आप ला सकते हो। इसमें एक कलर कोड में ये भी होता है, अब जैसे कि कलर कोड जैसे इंटीरियर पे दे रहे हैं ना, जहां जहां कलर अप्लाई होगा इसी मेथड से होगा, जो मेथड इंटीरियर पे है। तो एक कलर में, यहां पे कलर में एक और होता है इंडेक्स कलर, इंडेक्स कलर, कलर माफ कीजिए, कलर इंडेक्स। कलर इंडेक्स में आपको एक मतलब कि 0 से लेके 52 तक का एक कलर शेड है, जिसके माध्यम से इसमें कलर की कोडिंग होती है। ठीक है सर, इसको एक्सेल में दिखा सकते हैं क्या चीजें? एक कलर इंडेक्स नंबर, जैसे कि इसके लिए आपको समझने के लिए एक्सेल 2007 में आना पड़ेगा, उसमें इसका हेल्प दिया हुआ है, क्योंकि ऑनलाइन जाने एक्सेल 2016 में ऑनलाइन हेल्प हो गया, वहां पे नहीं दिया हुआ है। इसकी वीवीए में चलते हैं, वीवीए में चलते अल्ट एफ 11 प्रेस करिए तो इसकी वीवीए में हम चले जाएंगे। ठीक है, F11। अब इसकी हेल्प बार पे मैं क्लिक करता हूं और यहां पे कलर इंडेक्स सर्च करता हूं, कलर इंडेक्स प्रॉपर्टी, ये देखिए ये आपका 1 to 56 कलर सेड है, जो कि डिफाइंड है वीवीए के अंदर। आप 20 डालेंगे कलर इंडेक्स इक्वल टू 20 तो एक कलर आएगा, 21 डालेंगे तो एक कलर आएगा, 22 डालेंगे तो एक कलर आएगा, समझ गए? और कोई ऐसा कलर डाल दिए, जैसे मान लीजिए आपने कुछ ऐसा नंबर डाल दिया जो कि इस कलर नंबर में नहीं है, तो ब्लैंक क्या आएगा, वो ब्लैक आएगा। और यदि ध्यान रखिएगा हर वर्जन में कलर इंडेक्स का जो सिस्टम है वो चेंज होते रहता है, तो इसीलिए इसको हम बहुत कम यूज करते हैं। अब आपको मैंने बता दिया ताकि आप ध्यान रखें। सर इसमें इंटीरियर और इंडेक्स में कुछ डिफरेंट है क्या? इंटीरियर नहीं सर, इंटीरियर तो होगा ही होगा, इंटीरियर तो होगा ही होगा, क्योंकि कलर तो इंटीरियर के थ्रू जाएगा। तो इंटीरियर के अंदर में एक कलर होता है जहां पे आप डीवी रेड ग्रीन ब्लू डीवीए की डिफाइन कलर को डाल सकते हैं, या दूसरा कलर इंडेक्स को ले सकते हैं, या आरजीबी को ले सकते हैं। तो तीन मेथड है, आरजीबी का, डीवी का डिफाइन, जैसे डीवी रेड ग्रीन ब्लू श्याम जनता, और तीसरा जो आपका है वो है कलर इंडेक्स का, समझ गए? लेकिन ज्यादातर जो यूज होता है वो इसको या फिर वीवी रेड ग्रीन ब्लू को हम करते हैं, समझ गए? लेकिन जब आप रिकॉर्डिंग करते हो तो कुछ और होता है। जब मैं रिकॉर्डिंग किया था तो देखिए कोड क्या आया, कोड आया कि विथ सिलेक्शन इक्वल टू इंटीरियर पैटर्न एक्सेस सॉलिड, पैटर्न कलर इंडेक्स एक्सेल ऑटोमेटिक, कलर का एक अलग नंबर है, तीन सेट 0, पैटर्न तीन सेट इक्वल टू 0। तो इसमें आपको एक कलर तो समझ में आ रहा है कि इंटीरियर डॉट कलर इक्वल टू नंबर, तो ये भी एक तरह का नंबर है कलर, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि इस नंबर को आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है, क्योंकि इसको अलग हिसाब से पिक करता है, इसके हर किसी के अलग अलग है, समझ गए? वो परसेंटेज के हिसाब से है कि ब्लू एसेंट 1 डार्क 25%, तो उसी के हिसाब से कलर होता है, तो इसको डरना दिक्कत होता है। तो वीवीए ऑटोमेटिक जो रिकॉर्डिंग करते हैं तो सिस्टम में सारा रिकॉर्डेड ले लेता है, हम इसको याद नहीं कर सकते, इसलिए हम आरजीबी पे चलते हैं, राइट? अब पैटर्न इक्वल टू एक्सेल सॉलिड, पैटर्न क्या है? तो इसके लिए आपको आना पड़ेगा एक फॉर्मेट सेल के अंदर, वो आना पड़ेगा फिल के अंदर,
पैटर्न, दिस इज द पैटर्न, पैटर्न का कलर, पैटर्न का ये चीज होता है, समझ गए। लेकिन हमें ये चीज डालना नहीं, इसलिए हम कोडिंग करते समय इग्नोर कर देते हैं, राइट। तो कलर्स आप कलरिंग करना सीख गए। अब बात करते हैं सर, क्या बोले सर, एक बार ये बता दीजिए कलर इंडेक्स आपने कैसे सर्च किया था थोड़ा सा। हम उसके लिए 1007 हेलो। सॉरी सर, सॉरी सर, कलर इंडेक्स को बेसिकली हमने हेक्सल है हमने सर्च किया था। ठीक है, जैसे जैसे यूज करोगे ना धीरे धीरे समझ में आ जाएगा आपको। अब नेक्स्ट जो आता है वो आता है बॉर्डर की। हम कलर में बॉर्डर अलाइनमेंट, सॉरी अलाइनमेंट की बात करते हैं। अलाइनमेंट क्या होता है? तो अलाइनमेंट को समझने के लिए हम इसको जस्ट रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, उसी से हम समझ जाएंगे कि अलाइनमेंट क्या होता है। अलाइनमेंट के लिए देखिए, अलाइनमेंट में यहां पे दो अलाइनमेंट होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। यहां पे देखिए एक्सेल में दो अलाइनमेंट होते हैं ना, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, राइट। तो हॉरिजॉन्टल जो अलाइनमेंट हमारा होता है तो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में क्या होता है कि आप डाल सकते हैं कि अगर आपको राइट में करना है तो एक्सेल राइट, लेफ्ट में करना है एक्सेल लेफ्ट, एंड सेंटर करना है एक्सेल सेंटर, और सेम एक्सेल बॉटम टॉप और मिडल वर्टिकल अलाइनमेंट। तो आपको करना है तो रखिए, नहीं करना है तो नहीं रखिए। ऐसे रैप टेक्स्ट करना आपको तो रैप टेक्स्ट में इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ओरिएंटेंसर डालना है, ओरिएंटेंसर समझते क्या होता है? ओरिएंटेंसर होता है कि कितना डिग्री पे इसको मूव करना है, इट इज द डायरेक्ट ओरिएंटेंसर। कितना डिग्री पे इसको आप टेक्स्ट को मूव करना चाहते हैं, करना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं करना चाहते तो डालने की जरूरत नहीं है। करना चाहते हैं क्या, डिग्री क्या है ओरिएंटेंसर का, यहाँ डिग्री होता है वो डिग्री सेलेक्ट कर लीजिए, तो कोई टेक्स्ट उस पर टाइप होगा तो इतना डिग्री पे रोटेट हो जाएगा। तो इंडेशन उसके लिए होता है। अब फिर आता है यहां पे एड इंटेंट। एड इंटेंट क्या होता है, जैसे हम यहां पे सुजीत लिखा, और सुजीत लिखने के बाद जब मैं यहां से थोड़ा सा हल्का घसकाना चाहते, क्योंकि अगर मैं यहां पे मतलब कि बहुत बड़ा कॉलन है तो अगर हम ये लेफ्ट राइट सेंटर करते हैं तो पूरा बीच बीचों बीच आ जाएगा। मुझे बीचों बीच नहीं करना है, थोड़ा सा घसकाना है। जब लोग फॉर्मेटिंग वगैरह करते हैं ना, कभी कभी बिलिंग वगैरह का या कुछ और फॉर्मेटिंग वगैरह निकालते हैं तो इसकी जरूरत पड़ती है। तो कितना लेवल घसकाना है, घसकाना है तो उसका लेवल क्या है, नंबरिंग होता है। श्रिंक टू फिट, श्रिंक टू फिट मतलब कि जितना बड़ा टेक्स्ट साइज है उसी में कर देना है। ये जो है ना एडिटिंग कॉन्टेक्स्ट हटा दी, इसकी जरूरत नहीं पड़ती। दूसरा आता है मर्ज से, सेल को मर्ज करना है तो ट्रू, नहीं मर्ज करना है तो फॉल्स कर सकते। तो ये हो जाएगा आपका अलाइनमेंट का। तो अलाइनमेंट समझ में आ गया आपको? जी सर। अलाइनमेंट के बाद जो अगला टॉपिक आता है वो टॉपिक आता है कि किसी रेंज के ऊपर हम बॉर्डर कैसे अप्लाई करें। तो बॉर्डर अप्लाई करने का भी जो तरीका है वो भी आप देख लीजिए। तो इक्वल हम देते हैं यहां पे बॉर्डर्स, बॉर्डर्स लाइन स्टाइल इक्वल टू वन, लाइन इक्वल टू वन, या फिर यहां पे हम एक्सल कंटिन्यूस डाल सकते हैं।
लाइफ स्टाइल अलग अलग होते हैं, तो एक ये जो हेल्प है वीवी का, उस हेल्प से अगर आप सिलेक्ट करते हैं लाइफ स्टाइल, तो इसके आपको लाइफ स्टाइल के बाकी प्रॉपर्टीज आ जाएंगे। एक सर लाइफ स्टाइल में क्या क्या आता है, कंटिन्यूअस डैश डैश डॉट एक्सेल डबल एक्सेल लाइन स्टाइल नेम। तो जब हम बोल्डर अप्लाई करते हैं ना, तो उसमें हमें लाइन का स्टाइल सिलेक्ट करना होता है। देखिए बॉर्डर में ये स्टाइल सिलेक्ट करना होता है, तो कैसा स्टाइल होना चाहिए वो डिपेंड करता है यहाँ पे। तो बेसिकली हम लोग ये लेते हैं ना, इसको ले लेते हैं, इसलिए एक सब कंटिन्यूअस मतलब कि वन करते हैं। अगर आप बॉर्डर की कलर को चेंज करना चाहते हो, तो यहां पे सेम बॉर्डर्स डॉट कलर और इक्वल टू जो कलर मेथड है वो मेथड आप ले सकते हैं जो कि हमने डिस्कस किया, ठीक है। दूसरा कि बॉर्डर्स डॉट विड्थ करके आता है, विड्थ यहां पे एक्सल थीन अगर आपने कर दिया तो पतला हो जाएगा और ठीक करोगे तो मोटा। बात समझ गए सर? लेकिन क्या होता है कि जब हम बॉर्डर अप्लाई करते हैं, या फिर यहां भी डिफरेंट डिफरेंट के बॉर्डर है, जैसे कि अगर हम राइट क्लिक करते हैं बॉर्डर में, तो यहां देख रहे हैं कि ऊपर वाला बॉर्डर है, साइड वाला बॉर्डर है, मिडल है, अपर है, यहाँ क्रॉस वाला एक एक क्रॉस बॉर्डर है, एक क्रॉस बॉर्डर है, तो ये सब कैसे अप्लाई करें। तो इसके लिए आप रिकॉर्डिंग करोगे तो पता चलेगा आपको। एक बार मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग में ये ले लेता हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अभी आपने देखा बॉर्डर लाइन स्टाइल डायरेक्ट डाल दिया हमने, लेकिन जब ये करते हैं तो यहाँ पे देखिए क्या है कि ब्रैकेट के अंदर में एक्सेल एग लेफ्ट, एक्सेल एग टॉप, एक्सेल एग बॉटम, एक्सेल एग राइट, वर्टिकल इनसाइड, हॉरिजॉन्टल इनसाइड, ये देना होता है। मतलब कि अगर आपको अगर एक पर्टिकुलर एरिया में बॉर्डर लगाना है तो इस्तेमाल कोड को लिखना पड़ेगा, क्योंकि जब हम बॉर्डर अप्लाई करते हैं तो बॉर्डर अप्लाई करते समय में ये आपका टॉप बॉटम लेफ्ट राइट मिडल इनसाइड मिडल इनसाइड मिडल, ये सब इसका नाम होता है, ठीक है। तो उस नाम के साथ आपको ब्राइक बॉर्डर्स के बीच के बंदर ब्राइकेट में आपको डालने पड़ेंगे, जो कि जैसे कि यहाँ रिकॉर्डिंग में इसने डाला हुआ है। और लाइन स्टाइल इक्वल टू एक्सेल कंटिन्यूअस या डैश डॉट या जो डॉट है वो, अगर उसको मोटा या पतला करना चाहते हो, बाइट फिल्म पतला तो होता ही है, मोटा करना चाहते हो एक्सेल थिन कर दीजिए, या फिर बाकी डालने की जरूरत भी नहीं, बस ऊपर का लाइन ही डाल सकते। आप रिकॉर्डिंग करके एक बार ट्राई कीजिएगा तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा, ठीक है। कुछ पूछना है इसमें सर बॉर्डर में? सर सेल कलर कैसे देंगे? क्या सेल का किसकी कलर? सेल का हमने फॉन्ट कलर दिया कि अगर कोई चीज टाइप करते हैं तो कलर चेंज होगा, बट पर्टिकुलर की कलर के लिए नहीं, जी इंटीरियर जो बताया था सेल की कलर ही था ना। फॉन्ट कलर ऊपर है, यहाँ देखिए फॉन्ट कलर ये रहा, फॉन्ट कलर किससे डालते हैं, इंटीरियर कलर इससे डालेंगे एंड बॉर्डर की कलर ये रहा। अब दूसरा इसमें आता है नंबर की फॉर्मेटिंग, जैसे कि डेट कैसे डालेंगे, डेट की फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे, परसेंटेज कैसे लगाएंगे, टाइम की फॉर्मेट कैसे करेंगे, इस तरह के। तो कस्टम यहां पे उसके लिए आपको लिखना है कि रेंज A1 से लेके, या जो भी A1 ही ले लीजिए सिर्फ, डॉट नंबर फॉर्मेट, क्या करना है नंबर फॉर्मेट, और इक्वल टू जो कस्टम फॉर्मेटिंग जो आप अप्लाई करते हो, आप यहां पे कस्टम फॉर्मेटिंग करते हो नहीं, इसमें जो कोड होते हैं वो कोड आपको लिखने हैं। जैसे कि मुझे अगर डेट का फॉर्मेट अप्लाई करना है तो डी डी इक्वल टू वाई सॉरी एम एम
इक्वल वाई वाई, डी फोर डेट, एम फोर मंथ, वाई फोर ईयर। ऐसे मुझे अगर टाइम का अप्लाई करना है तो मैं यहां पे कर दूंगा एच एच स्लैश एम एम स्लैश एस एस। ऐसे मुझे अगर परसेंटेज करना है तो 0.0%। ऐसे मुझे मान लीजिए इसमें मान लीजिए कि मुझे करना है नंबर की वॉमेंट 0.0 हैश। तो इसके और ज्यादा जानने के लिए आप मेरे YouTube चैनल से नंबर कस्टम फॉर्मेट का वीडियो देख लीजिए, वहां भी इसकी और ज्यादा फॉर्मेटिंग समझ में आ जाएगी, राइट। तो ये हमारी आज की क्लास थी जिसमें हमने आपको बताया कि किस तरीके से आप अपने डेटा को फॉर्मेट कर सकते हैं यूजिंग द VBA माइक्रो। अब आपको क्या करना है कि मेरे लिए अटेंडेंस का फॉर्मेट बनाना है विद VBA माइक्रो। अटेंडेंस का फॉर्मेट कैसा होता है तो मेरे यूट्यूब चैनल पे सर्च करोगे तो वहां पे आपको अटेंडेंस फॉर्मेट की वीडियो मिल जाएगी जो कि मैंने एक्सेल पे बनाया हुआ है, और जो मैंने एक्सेल पे बनाया हुआ है उसी को आपको VBA के थ्रू बनाना है, राइट। और ये आज की रिकॉर्डिंग में यूट्यूब पे डाल देता हूं, आपको मिल जाएगा।